इजाज का नौकरी ऐसा है कि 6-6 महीना जमीन पर कदम नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम चाहिए, हम कर लेंगे। अरे आदमी का दिक्कत नहीं है सर जी, एक गुणो 21 मिलता है। आप बताइए कितना आदमी चाहिए आपको। हाँ हो जाएगा ना जी, हो जाएगा, 1-2 घंटे बता देते हैं आपको। अरे सर इतना सैलरी में तो दौड़ के काम करेगा आदमी। फटका फटका। भाई साहब आपका फोन पे बातचीत हम सुन रहे थे, आप नौकरी दिलाने वाले एजेंट हैं क्या? हाँ एक काम करो, सारा डॉक्यूमेंट लेके ठीक 2:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल के पास वाला गार्डन में आ जाओ। नमस्कार दादा। नमस्कार। बोलो। बैठो। है दादा। ये पदचिन्ह थे, तरकीबें थी परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के लिए। इन तरकीबों से, इस जुर्म से किसी का मकसद हासिल होने जा रहा था। इस जुर्म का कारवां देश के 3 राज्यों से गुजरने वाला था। और इस केस की तहकीकात पुलिस के लिए मुश्किल होने वाली थी, काफी मुश्किल। आज रात यहीं रुक जाते हैं। रात अगर यहीं रुकेंगे तो कल इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो जाएगा। फिक्र मत करो, हम बात कर लेंगे कलकत्ता वाला पार्टी से। रात को रुकेंगे कहाँ पे? अरे यहाँ रतनपुर में बहुत सारी लॉज हैं, हम कई बार आए। आ जाओ। पी लो, तनिक लंबा चलना। साहब पहले तो हमें लगा कोनो नशे में पड़ा है, लेकिन जब गले में तार देखे तो हम समझ गए ये तो मर चुका है। लगभग 8-10 घंटे पहले वायर से स्ट्रैंगुलेट किया गया है। आप ब्लड रिपोर्ट की बात कर रहे थे। नींद की दवाई मिली है खून से, काफी हाई डोज है। कातिल सब कुछ साफ कर गया।
साहब ये हमरे रतनपुर का तो नहीं लगता है। सर हम पूरा चेक कर लिए हैं, ना कोई पर्स है ना खुले पैसे और कोई आईडी कार्ड भी नहीं है सर। इंस्पेक्टर आपको ये वहम तोड़ना होगा क्रिमिनल्स का कि परफेक्ट क्राइम हो सकता है। कब लौटने वाले हो? 3 दिन हो गए हैं, तुम तो कल आने वाले थे। कलकत्ता आए थे, सोचा एक आध काम और निपटा लें, कल परसों तक आ जाएंगे। लगता अगला महीना फिर से आना पड़ेगा। बस तुम आ जाओ जल्दी से अब। हाँ रखते हैं। ये लाश कुछ दिनों तक लावारिस रहेगी, अब 2 और कत्ल होंगे और तब जाकर इस लाश की शिनाख्त होगी। आज हम कोलकाता घूमने जाएंगे ना? तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है घूमने की, उसी लिए तो आए हैं, अभी चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? शिवांगी, 301 का कल चेकआउट था ना? चेकआउट नहीं हुआ सर। क्यों? अमी जानी ना। तुम्हें जानो ना, इटा तुम्हार काज नो है। दिमाग से निकल गया था चेक करना, सॉरी। तुम्हार काजे मन लागे ना? 23 की रात को चेक इन हुए थे, बोले थे 2 रात रहेंगे, मतलब 23 और 24 की रात 25 की सुबह 12 बजे से पहले चेकआउट होना था। आज की कतो तारीख 26, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। शिवांगी एक्स्ट्रा रात का पेमेंट हुआ कि नहीं? नहीं सर। उनसे पैसे के लिए कौन पूछेगा, कौन चेक करेगा कि उन्होंने चेकआउट किया कि नहीं? रूम सर्विस में कौन था? सर फारूक। हाँ सर फारूक, ये 301 वाले विदाउट पेमेंट रहे, एक्स्ट्रा नहीं, उधर के बोल कैश चाहिए, जा। आमी कैनो, ये तो शिवांगी मैडम का काम है। अमा के पूछा भी तुई, जा। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या दरवाजा खोल नहीं रहे? कल परसों खोला था रूम क्लीनिंग के लिए। दरअसल मैं उस कमरे में गया ही नहीं, 3 दिन से सफाई नहीं हुआ। और शिवांगी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया? नहीं सर। सर उन्होंने खुद ही मना किया परसों जब मैं रूम के बाहर गया तो। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, रूम का साफ सफाई करना है। जरूरत नहीं है, जाओ तुम, डिस्टर्ब मत करो। सर उसके बाद कल गया तो नो जवाब, आज गया नो जवाब। तो तू मुझे अब बता रहा है चाबी क्यों नहीं ली काउंटर से देखने के लिए? सर काउंटर पे चाबी था ही नहीं। क्या हाँ सर, वो 301 की चाबी तो है ही नहीं। मास्टर की दो। खोलिए सर, सर प्लीज, वरना हम लोग दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं।
किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया सर। मैंने चेक किया सर, शी इज डेड। सर पूरा कमरा चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला, ना कोई सूटकेस, ना वार्डरोब में कपड़े, ना बाथरूम में कुछ। इन लोगों के साथ जो आदमी था उसका आईडी प्रूफ लिया था? है सर। आपको ये सब कब पता चला? आज सवेरे। वो दो दिन पहले हमारा क्लीनिंग बॉय फारूक गया था साफ सफाई के लिए, तो उस आदमी ने मना कर दिया। रूम का साफ सफाई करना है? जरूरत नहीं है, जाओ तुम। कौन थे लोग, कहाँ के रहने वाले थे? हरीश शर्मा, कांदीवली, मुंबई। आईडी प्रूफ? सर पैन कार्ड दिया था उन्होंने। हरीश शर्मा से यहाँ रजिस्टर में उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखवाया था क्या? तुमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया शिवांगी? सर मैंने उन्हें कहा था लिखने के लिए। आपने कहा, उसके बाद कस्टमर ने लिखा या नहीं लिखा ये चेक करने के लिए यहाँ कोई दूसरी रिसेप्शनिस्ट होती है क्या? सर हम सूरत से आए, कल ही चेक इन हुए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। इस रूम में रहने वालों में से किसी को देखा था? जी नहीं सर। हमें किसी को देखे नहीं सर, मैं तो ये ऑफिस काम से आया हूँ और देर रात 12 बजे लौटा था। चेक इन कब हुए? सर परसों। एक बार भी जाते जाते रूम के लोगों को ना देखा ना सुना? नहीं सर। सर 302 खाली रूम है, कोई गेस्ट नहीं है अंदर। मैनेजर साहब, कस्टमर की पीठ कैप्चर करने वाला ये इकलौता सीसीटीवी कैमरा है आपके इस होटल में या? सर और भी कैमरे लगाने का प्लान है। प्लान? आपके इस प्लान के एक्शन में आने से पहले किसी ने एक डबल मर्डर का प्लान बनाया मैनेजर साहब, और बाखूबी उसको अंजाम भी दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था आपके इन समझदार रिसेप्शनिस्ट और इनसे भी ज़्यादा समझदारी से लगाए गए इस कैमरा के बारे में। अच्छा एक बात बताइए मैनेजर साहब, ये जो कैमरा है ये आपने अपने कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए लगाया है या फिर अपने बहुत ही काबिल तारीफ स्टाफ को कैप्चर करने के लिए? सर मैंने स्टडी किया। गुड, वेरी गुड। तो 23 की रात से लेकर 26 की दोपहर तक की जितनी भी फुटेज है आपके पास हमारे सामने पेश कीजिए। यही था? जी सर। रात को कौन होता है यहाँ रिसेप्शन पर? 11:30 तक मैं रहती हूँ सर, और सुबह तक फारूक रहता है। और तुम दोनों ने इस आदमी को लगेज के साथ बाहर जाते नहीं देखा? सर मैंने तो नहीं देखा और फारूक ने भी नहीं देखा होगा। कमरे में हमें कुछ नहीं मिला, ना कपड़े ना सामान, कैसे हो सकता है ऐसे कि वो अपना सामान लेकर बाहर नहीं गया? सर थर्ड फ्लोर के किसी भी गेस्ट ने ना इस कपल को देखा और ना इस बच्ची को। सर पूरे रूम में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मेरा, कहीं कोई निशान नहीं है। एक वेल प्लान्ड डबल मर्डर। इतना अनुमान लगा सकते हैं कि माँ बेटी होंगी,
वैसे रजिस्टर में ना इनका नाम है ना कोई डिटेल्स, बस ये एक ही नाम है, हरीश शर्मा। सर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। कैमरा ऐसी जगह पर लगाया है जैसे गेस्ट पे नहीं बल्कि एम्प्लॉयज पे नजर रखने के लिए। सर ये लगता तो पैन कार्ड वाला हरीश शर्मा ही है, बाकी दिनों की फुटेजेस चेक करें सर। सर 24 को ये दो बार बाहर आए, एक बार दोपहर में 1:15 बजे और फिर रात को 8:30 बजे। लंच और डिनर। सर ये हरीश शर्मा जिस तरह से बच्ची को उठा रहा है बड़ा अजीब तरीका है सर, और इस तरीके से इसका चेहरा सीसीटीवी में छुप जा रहा है। राइट, वेल प्लान मर्डर है काफी। 25 तारीख को 12 बजे इन लोगों को चेकआउट करना है। लेकिन 25 जुलाई को पूरा दिन कोई भी बाहर नहीं आया। सर 26 जुलाई की फुटेज चेक करते हैं। यह आज सुबह 11:30 बजे की फुटेज है जब उन्हें बच्ची की बॉडी मिली थी। एक काम करते हैं 24 की रात की फुटेज चेक करते हैं, हो सकता है वो 24 की रात को ही निकल गया। जाहिर सी बात है इस आदमी को पता था कि सीसीटीवी कहां लगा हुआ है। बच्ची और औरत जो शायद माँ बेटी है, इनका मर्डर 24 की रात को ही कर दिया गया होगा खाना खाके लौटने के बाद। जी इंस्पेक्टर, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इस लेडी और इस बच्ची की मौत इन्हें यहां लाने के तकरीबन 38 घंटे पहले हुई होगी। 24 जुलाई की रात के 11 से 12 बजे के बीच का टाइम आता है और इनके पेट में काफी अनडाइजेस्टेड फूड मिला था। मतलब डिनर 11:30 के आसपास बाहर करके ये लोग रूम में लौटे, फिर इन्हें कुछ खिलाया गया या पिलाया गया। कुछ मतलब डॉक्टर? ये इस लेडी और इस बच्ची के ब्लड सैंपल्स, इन दोनों ब्लड सैंपल्स में नींद की दवाई के डोजेज काफी मात्रा में मिली। जब इन पर अटैक हुआ होगा तो इन्हें पता ही नहीं चला होगा। इस औरत और बच्चे के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला, शायद कातिल वो आदमी था। कातिल? कातिल उसके बारे में अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है कि भागलपुर बिहार से हरीश शर्मा के नाम से उसका पैन कार्ड इशू हुआ और उसने अपने आप को मुंबई का बताया। एड्रेस नकली है, कांदिवली में ऐसी कोई कॉलोनी है ही नहीं। हाँ उसी का पूरा डाउट था, सोचा चेक कर ले एक बार। सर ये पैन कार्ड भागलपुर ब्रांच से इशू किया गया, लेकिन ये आदमी हरीश शर्मा बिहार की किसी भी जगह से हो सकता है क्योंकि पैन कार्ड जोन्स के हिसाब से इशू होते हैं, जैसे कि कोलकाता बंगाल का है। अरिंदम बाबू, ये हरीश शर्मा हमारे पास इकलौती लीड है, हरीश शर्मा का हमें एड्रेस चाहिए, भागलपुर ब्रांच से आप निकलवा सकते हैं क्या? श्योर इंस्पेक्टर साहब, बस डीसीपी ऑफिस से लेटर मिलते ही मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आधे घंटे के अंदर डीसीपी ऑफिस से मेल आ जाएगा। सर सर वो बॉम्बे का एड्रेस तो फेक निकला। फेक तो निकलना ही था घोष, बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? होटल का मैनेजर हमें पिछले 1 महीने की फुटेज देने वाला था। सर मैंने 1 जुलाई से 23 जुलाई तक की सारी फुटेज देखी है, ये आदमी हरीश शर्मा पहले कभी आया नहीं। तो फिर उसे कैसे पता था कि तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कहां पर है? उसे कैसे पता था कि रात को फारूक ड्यूटी पे सोता है? आपको जो कोऑपरेशन चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मैं इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और फुटेज में भी नहीं है। उनके पास सिर्फ पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज है, कि हरीश शर्मा उससे पहले भी तो आया हो सकता है। ये हरीश शर्मा
और ये सीसीटीवी कैमरा को पीठ दिखाने वाला आदमी दोनों एक ही है। सर रिसेप्शनिस्ट शिवांगी ने तो यही बोला है। उसके कहे को कैसे मान, लापरवाह अपने काम, पता नहीं ये आदमी कब हाथ लगेगा। खोश 24 जुलाई की रात को ये तीनों खाना खाने बाहर गए थे। यस सर। घोष एक काम करो, आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट हैं सबको छान मारो, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाओ। यस सर। और सर मैं खबरी को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, इन तीनों की तस्वीर पूरे इलाके में घुमा देता हूँ, क्या पता सर कोई तार जुड़ जाए। ले चाची, हो गया, अर्थिंग का प्रॉब्लम था, निकाले 30 रुपये। हम सोच रहे थे एक तो इलेक्ट्रिक का दुकान डालने। पता है कभी कभार हमको लगता है कि हम भी शहर में रहते, दूसरे लोगों की तरह गृहस्थी होती हमारी। अच्छा वो जो घर बेचा था उनका पैसा कब आएगा? अगला हफ्ते। तुमको शहर में रहना है? ठीक है, पैसा आ जाने दो, फिर कोई तरकीब बैठाते हैं। हाँ साहब, हम यहाँ का पूरा रेस्टोरेंट सब छान लिया है, ये आदमी को कोई नहीं पहचानता, ना औरत को ना बच्चा को। क्या कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है? ना साहब, नहीं लगा है। पीयूष थोड़ी सी और मेहनत करो, और जगह पर अपने लड़के लगाओ। ग्लासेस, हैंडल्स, डेस्क, बेड सब स्कैन किया सर, नो फिंगरप्रिंट्स। कत्ल के बाद बंदे ने एक एक जगह अच्छी तरह से साफ कर दी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। मॉर्ग में एक औरत और एक बच्चे की लाश लावारिस पड़ी है। कोलकाता के सारे पुलिस स्टेशन में एक भी मैचिंग मिसिंग कंप्लेन नहीं है। हो सकता है कोई फैमिली वाला मामला हो, कंप्लेन की ही ना गई हो। रतनपुर बिहार में एक लाश लावारिस पड़ी थी मॉर्ग में, कोई पहचानने के लिए आगे नहीं आ रहा था, ना ही किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, और कोलकाता में औरत और बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। रतनपुर और कोलकाता दोनों के मर्डर्स में कत्ल की तरकीब एक ही थी, पर यह कनेक्शन कब और कैसे जुड़ने वाला था, और ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी ने कहीं भी इन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ हरीश शर्मा दे सकता था, और कोलकाता पुलिस उस तक पहुंचने के लिए बेताब थी। वो हरीश शर्मा का पैन कार्ड भागलपुर ब्रांच से इशू तो किया गया है, लेकिन उसका रेसिडेंस एड्रेस है नालंदा का, और मैंने उसका एड्रेस आपको ईमेल कर दिया है। कि हमारे इस केस का पहला सुराग है। ना, कॉल नहीं करते, सीधे निकल पड़ते हैं। सीसीटीवी में बहुत खेल लिए लुका छुपी, गेम चेंज, अब खेलते हैं चोर सिपाही। हरीश शर्मा यहीं रहता है? जी, ये हमारे पति हैं। क्या बात है? ये और ये कौन है? कौन है ये दोनों? हम नहीं जानते। और आप लोग कौन है? ये दोनों कौन है हरीश? अरे वो भाई साहब, ये कौन है वो कौन है, ये क्या पूछे जा रहे हैं आप लोग पुलिस वाले की तरह? बिल्कुल सही पहचाना तूने, कोलकाता पुलिस। और हम ये जानना चाहते हैं कि औरत और ये बच्ची कौन है, और तूने इन दोनों को क्यों मार डाला? देखिए साहब, हम नालंदा में ही पैदा हुए हैं और नालंदा में ही बड़ा हुए हैं, कलकत्ता तो हम कभी गए भी नहीं किए हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं 23 से 25 जुलाई के बीच का, फैक्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए सर, हम फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अभी ना बड़ी तमीज के साथ कुर्सी पे बैठा है, अपनी पे आ गए ना तो जमीन पे बैठने लायक भी नहीं बचेगा। हम अपना बच्चा का कसम खा के कह रहे हैं,
ये जो औरत और बच्ची का फोटो आप दिखा रहे हैं ना, उसको तो हम कभी मिलवे नहीं किए। तो फिर कोलकाता के रिमझिम इन होटल में उन दोनों को लेकर कौन गया? कोई जुड़वा भाई है तेरा? हाँ, लेकिन सर ये तो हमारा वाला पैन कार्ड है। ओ, अब समझ में आया, उस साला सूरज यादव। सर इस सब कुछ किया कराया उस सूरज यादव का है सर। तो कहानी बुनी शुरू। सर हम कहानी नहीं बता रहे हैं सर। बीस एक दिन पहले हम अपने साले साहब कमल से मिलने के लिए धनबाद गए थे, 3 जुलाई। तो तू 3 जुलाई को धनबाद अपने साले से मिलने गया और वहां पर तुझे सूरज मिला? जी सर। कहानी बहुत सिंपल है, दूसरी बना। सर हम कहानी नहीं हकीकत बता रहे हैं सर। हमारे जो साले साहब है कमल, वो हमको लेने आने वाले थे धनबाद स्टेशन, उनको आने में देरी हो गई, तभी ये हमको सूरज यादव वेटिंग रूम में दिखा। आप तो बताइए कितना आदमी चाहिए आपको? अरे सर इतना सैलरी में तो दौड़ के काम करेगा आदमी। आप नौकरी दिलाने वाले एजेंट हैं क्या? तो आप नालंदा में मशीन ऑपरेटर हैं? जी। कौन कौन मशीन चला लेते हैं? कोई भी बोलिए, मतलब एक बार कोई हमको समझा देता है ना तो हम समझ जाते हैं और उस पर हाथ मेरा बैठ जाता है। 15 साल तो इसी फील्ड में रहे हैं। तो समझिए कि आपका गुड लक बहुत बढ़िया है। अभी एक रिक्वायरमेंट आया है नौकरी का। सच में? हाँ, एक ठेकेदार को एक मशीन ऑपरेटर चाहिए, वो भी एकदम अर्जेंट। चलिए अभी मिलवा देते हैं आपको। अभी? हाँ। नहीं अभी एक दिक्कत है, वो हमारा साला है ना, हमको स्टेशन लेने आने वाला है। आपको बच्चा है जो अकेले नहीं जा पाइएगा? इतना डरिएगा तो नौकरी कैसे करिएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके साथ चलते हैं ना, लेकिन एक बार साला को बताना पड़ेगा ना कि हम आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है बता दीजिए, जरूर बताइए। भाई साहब एक और दिक्कत है, हमारा फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, आपके फोन से वो फोन कर सकते हैं? ले लीजिए। हाँ प्रणाम जीजा जी, हम बस निकल ही रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम कष्ट ना करो, हम खुद ही पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में। वो क्या है ना कि हमको एक जरूरी काम आ गया है, फिर हम कमल को फोन करके बता दिए और फिर सूरज यादव के साथ चले गए। सूरज भैया और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा देर और, ठेकेदार आता ही होगा। बहुत चल रही है ना? हाँ। ये लो गला तर कर लो, तब तक ठेकेदार भी आ जाएगा। कुछ नहीं छोड़ा सर, सब कुछ लेके चला गया। हमारा अटैची लेके चला गया, हमारा पर्स लेके चला गया, पर्स में हमारा पैन कार्ड भी था सर, और वो घड़ी पहने हुए थे वो भी लेके चला गया। शुक्र है हमारे बदन पे कपड़ा छोड़ गया कमीना। और हाँ, हमको ना नशा वाला शरबत पिलाया था, और जिस बोतल से शरबत पिलाया था ना वो बोतल भी लेके चला गया। नशे वाली शरबत? हाँ सर, उसी को पीकर तो हम बेहोश हुए थे। इन दोनों ब्लड सैंपल्स में नींद की दवाई के डोजेज काफी मात्रा में मिली। सूरज पक्का? हाँ सूरज, सूरज यादव यही नाम बताया। सूरज यादव दिखता कैसा है बता पाओगे? उसका चेहरा अच्छे से तो याद नहीं है सर, लेकिन फोटो दिखाइएगा तो हम पहचान लेंगे। ये यही रहेगा जी, धनवास से इसके साले को उठा लो। सर सर हम तो सब कुछ सच सच आपको बता चुके हैं, तब हमको यहाँ काहे रहना पड़ेगा? कोलकाता में एक बच्ची और एक औरत की लाश 4 दिन से अपनी शनाख्त का इंतजार कर रही है, तू अपनी बेगुनाही के लिए 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकता?
साहब, हमारे हरी जीजा जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। 3 जुलाई को वाकई में जीजा जी बहुत कंगली हालत में यहाँ पहुँचे थे। लॉकअप में चलो हमारे साथ, वहाँ तुम और तुम्हारे जीजा जी दोनों हमें बताना कि स्टोरी कितनी और हकीकत कितनी है। आपके फोन से वो फोन कर सकते हैं। हम बस निकल ही रहे हैं। तो 7 दिन पहले की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी तूने? क्या करे सर, वो सस्ता फोन है ना हमारे पास, जरा मेमोरी का इशू है। हमारे पास जो डंडा है ना, उसकी मेमोरी का कोई इशू नहीं है, बहुत मजबूत मेमोरी है उसकी। अभी जरा चार्जिंग पे लगाया, जैसे ही चार्ज हो जाएगा उसे मंगाएंगे और उसके बाद तुम दोनों की चार्जिंग शुरू। हम कमल के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि 3 जुलाई को क्या वाकई में सूरज के नंबर से उसे कॉल आया था। जी सर, तब तक इन दोनों को यहीं रखें? कोई चांस नहीं ले सकते। अब पुलिस उसे एक पदचिन्ह की तलाश में थी जो कातिल पीछे छोड़ गया हो, पर कहीं और कातिल अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सब हमको पति पत्नी समझते हैं। हाँ तो है नहीं का? हाँ? कब से सोच रहे हैं कैसे तुमको अपना बनाए? एक तरफ कातिल एक औरत के साथ रोमांस में डूबा हुआ था, एक ऐसी औरत जो शायद इन मर्डर से जुड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ पुलिस उस सूरज यादव की तलाश में थी जो इस वक्त उनका मुख्य संदिग्ध था और शायद आरोपी भी। सर, ये हरीश शर्मा का साला कमल सही बोल रहा है। 3 जुलाई को धनबाद रेलवे स्टेशन से 12:15 बजे इसको कॉल आया था। हम बस निकल ही रहे हैं। तुम कष्ट ना करो, हम खुद ही पहुंच जाएंगे थोड़ा देर में। और ये नंबर होगा सूरज यादव का, जिस नंबर से हरीश शर्मा ने फोन किया अपने साले को, और ये नंबर स्विच ऑफ होगा इस वक्त। यस सर, 444567891। सर, इसकी डिटेल्स कल तक मिलेंगी। हरीश शर्मा का क्या सीन है? सर, ये 24 जुलाई को नालंदा में ही था, इसके मोबाइल रिकॉर्ड्स और फैक्ट्री रजिस्टर दोनों यही बोल रहे हैं। सर, इस सूरज यादव ने हरीश शर्मा का इस्तेमाल किया, बकरा बनाया हरीश शर्मा को। कौन है ये आदमी? हाइट बॉडी तो हरीश शर्मा से मैच होती है। सर, शायद उसीलिए इसने हरीश को टारगेट तो नहीं किया। हो सकता है। एक बार इस सूरज यादव के कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाए, उसके बाद सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल 4567891 ये नंबर किसी अजीत दास का है और एड्रेस है कोलकाता का। सर, 18 जून और 3 जुलाई के बीच में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, उस कमल को फोन करने के लिए धनबाद से। आपके फोन से वो फोन कर सकते हैं। ये लीजिए। हरीश शर्मा ने खुद कहा कि उसने सूरज यादव को किसी को फोन पर बात करते देखा था। हाँ, आज ही हो जाएगा, घंटे डेढ़ घंटे में बता देते हैं आपको। सर, हो सकता है हरीश के लिए जल बिछा रहा हूँ। वैसा क्यों करता? होश, एक काम करो, ये फोटो हरीश शर्मा को दिखाओ। हरीश शर्मा अगर इसको आइडेंटिफाई करता है तो मतलब सूरज यादव कोलकाता का ही कोई अजीत दास है। तो बाद में कोलकाता के एड्रेस से उसको डायरेक्टली उठवा लेते हैं सर, अगर एड्रेस फेक नहीं है तो। यही है वो जिसने तुम्हें नशीला शरबत पिलाया था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है सर। सूरज का चेहरा हम 100% याद तो नहीं रखे हैं, लेकिन ये वो आदमी नहीं है सर, 100% नहीं है सर। अजीत दास, तुम्हारा दूसरा नाम सूरज भी है? सूरज? ना ना सर, हमारा नाम अजीत दास ही है। चल सर, हो जा शो। हाँ, हमारा घर मालदा में है, हम इधर कोलकाता में 3 साल से GTP ऑपरेटर का काम कर रहा है सर। देख सूरज, सर सूरज ने अजीत दास,
मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको ठीक से सुन। 3 जुलाई को धनवाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में तूने हरीश शर्मा को फंसाया, अच्छी नौकरी का लालच देकर, और फिर तूने उसको नशीला शरबत पिलाया, और जब वो बेहोश हो गया तो तूने उसका पैन कार्ड चुराया, और उसके बाद 23 जुलाई को कोलकाता के रिमझिम होटल में तूने इन दोनों के साथ चेक इन किया। सर आमी। और फिर 24 जुलाई की रात को तूने इलेक्ट्रिक वायर से इन दोनों का गला खोल दिया और वहां से भाग निकला। हम ही छिलाम ना सर, आप तो हमारा घर देखा है ना, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम आज तक किसी होटल का अंदर क्या होटल का बाहर भी नहीं गया है, और ये दोनों को तो हम कभी नहीं देखा है। और मर्डर, हम आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, मर्डर कैसे करेगा? गरीब संत आदमी अहिंसा के पुजारी, तेरा फोन धनबाद में किस लिए गया था? शांति मार्च के लिए गया था? 4445678 91 ये वाला नंबर। तेरी तो हाथी वाली यादाश्त है, 3 जुलाई से ये नंबर यूज नहीं किया, तेरे को सब याद है? 3 जुलाई नहीं सर, 18 जून के बाद हम उन फोन का नंबर यूज नहीं किया है। सर ये 18 जून और 3 जुलाई के बीच में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, उस कमल को फोन करने के लिए धनबाद से। और सर 18 जून को हमारा वो फोन चोरी हो गया था सर, और तब से लेके आज तक पहला बार वो नंबर के बारे में बातचीत हो रहा है सर। एक और स्टोरी, चल ठीक है, सुना क्या स्टोरी है तेरे फोन खोने की? सर कोई स्टोरी नहीं सर, सत्य बोल छी हमी सर, सर हमारा फोन सच्ची में चोरी हो गया, हम झूठ क्यों बोलेगा सर? हाँ टॉप लेवल कंपनी है भाई, और उनको चाहिए तुरंत DTP ऑपरेटर। अरे 3 महीने में तो परमानेंट हो जाएगा बोनस के साथ। ऐसा करो मामला अर्जेंट है, बार तैयार करो, मिलो हमसे, ठीक है? चलो दादा, आपने की जॉब है जी? हाँ क्यों? दादा हमारा नाम अजीत दास है, हम इधर ही DTP ऑपरेटर का काम करता है। अच्छा, MS ऑफिस, एक्सेल, फोटोशॉप सब आता है। आप अभी जिधर फोन पे बात कर रहा था उधर जरूरत है क्या किसी DTP ऑपरेटर का? देखो अजीत बाबू, कंपनी है नंबर वन तो आदमी चाहिए नंबर वन, मुश्किल काम है, कर पाओगे? हाँ दादा हम कर लेगा ना, हम अपना बायोडाटा लेके आते हैं, वो लोग देखेगा ना तो मना नहीं कर पाएगा दादा। सर हम अच्छा नौकरी तलाशने का हर तरकीब ट्राई कर रहा था किंतु कुछ नहीं हो रहा था, और इसी चक्कर में हम उसका जाल में फंस गया। तो तुझे पता चला कि तुझे फंसाया जा रहा है? पता चला सर, किंतु होने के लेट हो गया था। सर हम आपको बताता है कैसे, सर ठीक 5 मिनट पहले हम अपना दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था, नौकरी का सिलसिला में ही बात कर रहा था सर, किंतु उसका 2 मिनट का कन्वर्सेशन सुन के हमको ऐसा लगा कि वो हमको नौकरी दिला दे, एकदम बोका था सर, हमको समझ ही में नहीं आया कि वो हमको बोका बना रहा है। और सर जब हमको होश आया तब हमको ये बात समझ में आई। तुझे भी बेहोश किया गया? एक बात बता जीता जी, तुम लोगों का कोई गैंग वैंग है क्या जो हर जगह एक ही स्टोरी घुमा रहा है? अब तुम उससे ये भी कहेगा कि उस आदमी ने तुझे नींबू शरबत पिलाया है? सर एकदम यही हुआ था। तो ऐसा करो, अपना बायोडाटा और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कल मिलो उससे 2:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ हाँ ठीक है दादा। दादा तुम्हारा नाम की? आनंद गांगुली। हाँ हाँ रखते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। ठीक अच्छे, अरे तुमको तो ऑफर ही नहीं किया, रुको। अरे ना ना दादा कोई बात नहीं, ठीक है। अरे लो ना। अरे नहीं दादा नहीं चाहिए, आमा का जूस भाल लगे ना। भाल लगे ना, अरे भी ना चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। लो ये चुपचाप। ओ दादा, अरे दादा सुनचेन, ओ दादा बेटा सुवाज जाएगा ना, होए ये सोने का जगह नहीं है, चले उठिए। दादा एक जन दादा थे हमारे साथ, आप देखा हमको? ना मैं किसी को नहीं देखा। शरीर का कपड़ा छोड़ के सब कुछ ले गया सर, हमारा मोबाइल फोन भी ले लिया। और उसने तुझे अपना नाम उनिंदो गांगुली बताया? हाँ सर।
पुलिस कंप्लेन की? पुलिस कंप्लेन तो नहीं किया, किंतु नया प्रीपेड कार्ड ले लिया। प्रीपेड कार्ड? वो क्रिमिनल इतना संत आदमी है जो तेरा कार्ड रिचार्ज करवाए, भुलिया बता सकता है उसका? सर अच्छे से याद तो नहीं है हमको, किंतु सर अगर आप हमको उसका फोटो दिखाएगा ना तो हम उसको पहचान जाएगा सर। जब तक हम तुझे ठीक से नहीं पहचान लेते तू यही रहेगा, पूरी बैकग्राउंड चेक होगी तेरी। ये कदकाठी से सीसीटीवी वाले से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये कातिल बहुत ही शातिर फ्रॉड है, ना ये हरीश शर्मा है ना अजीत दास, बल्कि इसने इन दोनों का नाम इस्तेमाल किया। सर ये ओनिंदो गांगुली बना, सूरज यादव बना, और सबको चकमा दे गया नशीले नींबू शरबत के साथ। लेकिन एक बात खटक रही है कोश, देखो होटल रिमझिम इनकी रिसेप्शनिस्ट को हरीश शर्मा का पैन कार्ड दिया बतौर आईडी प्रूफ। सर उसने लिया, फोटो कॉपी करके उसको लौटा दिया। तो वो क्या सो रही थी? सामने खड़ा हुआ आदमी और पैन कार्ड पे जो फोटो था दोनों अलग थे। सर हो सकता है उसने देखा ना हो या उसको दिखा ना हो। सर ये भी तो हो सकता है कि उसने देखकर अनदेखा किया हो। तुम्हारा मतलब है इनसाइड जॉब? जिस लेवल की प्लानिंग चल रही है कुछ भी पॉसिबल है सर। आप खुद देखिए 18 जून को अजीत को बेहोश करके उसका मोबाइल चोरा था, और 3 जुलाई को धनबाद में हरीश को बेहोश करके उसका पैन कार्ड चुरा था। लोगों को फंसाने की तरकीब का इसका एक ही पैटर्न है, अच्छी नौकरी का गाजर दिखाकर वश में किया, उसके बाद डबल मर्डर किया। खुश मुझे नहीं लगता कि इसका ये पहला जुर्म होगा। सर अच्छी बात यह है कि फोन चोरी होने के बाद अजीत ने अभी तक इस नंबर को ब्लॉक नहीं किया है। हो सकता है सर कातिल इस नंबर का फिर से इस्तेमाल करे। अगर वो फिर से इस्तेमाल करता है मतलब एक और मर्डर जो हम होने नहीं। हमारे गले का नाप ले रहे हो? तुम्हारा गला हमको बहुत ही सेक्सी लगता है। तो सेक्सी गले में कौन महंगा हारवार डालने का इरादा है कि नहीं, या फिर गला दबाकर हमको मार देने का इरादा रखते हैं? किस इरादे से ये कत्ल हुए? क्या थे इन तीनों विक्टिम्स के नाम, और अगर इन तीनों विक्टिम्स के बीच में कोई कनेक्शन था तो क्या था? पुलिस को इस बेहद चालाक और बेहद क्रूर कातिल की तरकीब को समझने के लिए उल्टे कदम चलते हुए हर सुराग को दोबारा से टटोलना पड़ा। पर क्या वो इस कातिल तक पहुंच पाई? क्या वो उसके मकसद को जान पाई? ये रहस्यमय केस शुरू कहां से हुआ और खत्म कैसे हुआ, ये हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में सीआईडी के एपिसोड के बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।